हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, या बहुत कोई है जो सोए होंगे, लेकिन मुझे तो जागना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अभी सुबह का बज रहा है 5 और मेरी डेली रूटीन यानी मेरी डेली ब्लॉग में मैं आ चुकी हूँ। तो सुबह उठती ही मैं पीऊँगी थोड़ी सी पानी, गर्म पानी, मैं एक काफ़ी पानी पीऊँगी। तो मैं थोड़ी थोड़ी करके भी पानी लेती हूँ, और जो मेरा दोनों बच्चा है सो रहा है, घर के सभी सो रहे हैं, और मेरे सासू माँ भी अभी उठ के योगा कर रही हैं। तो मैं आज योगा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत सारा काम है, तो क्यों ना अभी से स्टार्ट करूँगी। मेरा हस्बैंड का भी तबीयत कुछ ख़राब है, तो वो सो रहे हैं, उन्होंने मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रहे आज 5-6 दिन से। तो इधर मैं आपको दिखाऊंगी, ये मेरा हॉल का है, और देखिए बाहर कितना अंधेरा छाया हुआ है, इसीलिए ना मैं खिड़की नहीं खोली अभी तक, क्योंकि पता नहीं पक्षी चू चू बहुत कुछ चिल्ला रहा है। ये है मेरे बैल्कनी का, तो आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा। और अभी मैं डायरेक्ट सुबह 8 बजे का वीडियो आपके साथ दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे रूथ को मैंने दूध दिया है सुबह उठते ही, और गुड़िया को भी दूध दिया है। तो रूथ को जब मैंने दूध दिया था ना, उस वो दूध नहीं पी के उसका दीदी का सर पे ही दूध डाल दिया है, तो इसीलिए ना गुड़िया बहुत रोई है, और गुड़िया को बहुत गुस्सा आया है रूथ के ऊपर में। तो मेरा रूथ का हालत आप देख सकते हैं। कमांडो ट्रेनिंग का टेस्ट पूरा करना होगा, हम मिशन के मुताबिक तैयारी करेंगे। एशियन गेम्स के लिए मंत्री जी ने और बड़ा स्टेडियम रेडी करवाया था। तो मेरा भी मैंने यहाँ पे चाय लिया है दूध में, क्योंकि मैं सुबह चाय ही लेती हूँ, दूध नहीं पीती हूँ सुबह सुबह। और इधर इसका जो बुआ है वो पैकिंग में लगी है। अभी रूद ने क्या किया, गुड़िया को ना दूध पीने दी थी, तो वो गरम गरम दूध इसके ऊपर में डाल दिए, क्योंकि उसका तो इसलिए बहुत हंसी आ रहा है। मुझे इस बात की कुछ हुआ नहीं है कि वो दूध गिरा के फिर उसको दीदी को प्यार भी कर। तो सुबह से शुरू होता है मेरा ये रूटीन, देखिए दीदी। लेकिन गुड़िया को गुस्सा आके गुड़िया चला ही दिया है। तो अभी इसका हालत देखिए रूथ का, वो एक दीदी का जो पेंसिल जो कलर जो बॉक्स होता है ना, वो लेके घूम रहा है, इधर से उधर जा रहा है वो। तो इसका तो खेलना स्टार्ट हो चुका है। और इधर मेरी जो बड़ी ननद है ना, वो पैकिंग में लगी है, पैकिंग कर रही है वो। तो इसका पता नहीं क्या कर रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर कर रहा है। ये दिन भर ऐसे ही करता है, सोता भी नहीं है। तो मैं आ चुकी हूँ अभी किचन पे, मैं आपको दिखाऊंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, अभी सुबह का बज रहा है 8, और मैं नहा के मैं घर के सारे काम करके नहा के आ चुकी हूँ। तो आज है चैनल, तो दोस्तों आज है 16 नवंबर, टाइम हुआ है सुबह का 8 बज रहा है। मैं नहा के पूजा करके आ चुकी हूँ, देख सकते हैं आप, मेरे टीका में लगा ली हूँ। तो दोस्तों, और कल मेरी जो ननद है बड़ी वाली, वो जा रही है वापस अपनी ससुराल, और इसीलिए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और उसके लिए कुछ कुछ तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो बहुत ही भारी लगता है और बहुत ही खराब लगता है। तो सब जो यहाँ पे, तो देखिए मेरा ननद का जो पैकिंग है वो लगभग हो चुका है, उसका कल का ही फ्लाइट है जाने का, मुंबई जाने का। देख सकते हैं आप, पूरा जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, यानी मेरी ननद की जो पैकिंग है ऑलरेडी हो चुका है। अभी कल सुबह 5 बजे ही निकलना है उसको फ्लाइट के लिए। मैंने शेयर नहीं किया है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही दुख लगता है, लड़की जब अपने मायके आते फिर चला जाता है अपने ससुराल, पता नहीं भगवान ने क्यों ये रीति रिवाज बनाया है। और वो बहुत ही ज्यादा रो रही है मेरी जो ननद है, मेरी ननद कम एक्चुअली मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। पड़ता है, लेकिन तो
उसका माइक उससे आई डोंट नो बहुत ही रो रहा है, पता नहीं क्यों। सासू माँ भी रो, उसको जाने का एकदम ही मन नहीं है। और यकीन मानिए हम लोगों सबको भी रोना। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद आपके साथ फिर से। मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मेरा मुझसे कुछ बात नहीं निकल रहा इसलिए, क्योंकि कल से हमारा घर पे तो रोना धोना स्टार्ट हो चुका है। सारे पैकिंग ये लेके सेकंड टाइम है जो वो ससुराल से आई है, तो मेरे रिलेटिव के घर सेकंड टाइम, दोनों टाइम में यही सिचुएशन है उसका कि वो जाने का टाइम बहुत रोती है। हम लोग मतलब हम इसके पापा और गुड़िया रोज जाएंगे हम लोग। तो हम लोग आ चुके हैं मंदिर पे अभी, कामाख्या मंदिर। बेटा ए रूद, रूद रूद आप क्या लिख रहे हो बेटा? तो दोस्तों तो मैं आ चुकी हूँ घर पे मंदिर से, और रूद ने और इसका पापा ने डिनर कर लिया है ऑलरेडी, लेकिन मैंने नहीं किया, मेरा कुछ मन नहीं था करने का। और तो आके ही रूद और गुड़िया जो है वो पढ़ने स्टार्ट कर दिया है, और मैं अभी जाऊंगी किचन में, बहुत ही सिंपल सा खाना बनाऊंगी। मैं बनाऊंगी आलू दम और बनाऊंगी फ्राइड राइस। तो देखिए, तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल। और अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल, बाय बाय।